देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाश 45 वर्षीय युवक की हत्या कर फरार हो गए। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल भिजवाया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि फरीदाबाद से बल्लभगढ़ स्थित गांव रोड पर करीब 10 बजे एक बाइक सवार युवक को कुछ हथियारबंद बदमाशों ने मौके घाट उतार दिया। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल भिजवा दिया। वहीं आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक के बेटे की माने तो उसने बताया कि बीती रात कुछ लड़के दुकान पर उधार सामान लेने के लिए आए थे। इसके बाद उसके पापा ने सामान देने से मना कर दिया तो युवक दुकानदार को देख लेने की बात कहकर चले गए। आज सुबह उन्हीं लड़कों का फिर से फोन आया और उधार के पैसे लौटाने के लिए उन्हें तेगांव रोड पर बुला लिया। इसके बाद उनके साथ मारपीट की और उन पर लोहे की रॉड से हमला किया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस को शिकायत दे दी है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी बीच परिजन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो इसकी मांग कर रहे हैं। चावला पुलिस चौकी प्रभारी चमन लाल ने बताया कि 10:30 बजे उन्हें सूचना मिली थी। उसके बाद वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि युवक की मौत हो चुकी थी। जांच में पता चला कि कुछ लड़कों ने युवक पर हमला किया था जिसकी वजह से युवक की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश, जो मृतक है क्या लगता है आपको? पिता। क्या कुछ हुआ था उनके साथ? मृत्यु हुई है। वो कल आए थे रात को 10 बजे उधार लेने, तो उनके पास पहले उधार पैसे थे तो पापा ने मना कर दी, तो वो झगड़ा वगड़ा करने लग गए। उन्होंने कह दिया हम कल देखेंगे तेरे को। बस कौन लोग थे ये? कहाँ के रहने वाले? आज़ाद नगर के रहने वाले थे। तो उसके बाद आज क्या हुआ फिर? तो आज उन्होंने 10 बजे करीब 10 बजे सुबह बुलाया उन्होंने, फिर पैसे देने के बहाने फिर उसके बाद नहीं पता। फिर तो मैं क्या सूचना मिली, किसकी तरफ से सूचना मिली कि ये हादसा हो गया? हमें वहीं से सूचना मिली कि तुम्हारे पापा के मतलब लग गई है चोट वोट, तो ऐसे ऐसे दुर्गा शक्ति वाले हॉस्पिटल में लेके चले। अच्छा, किसने किया था फिर? फोन नहीं करा, मतलब कोई आ गया था। और फिलहाल पुलिस को शिकायत दे दी आपने, क्या कार्रवाई चल रही है? संतुष्ट हैं आप कार्रवाई से? संतुष्ट है कार्रवाई से? ठीक है, क्या चाहते हैं आरोपियों को जल्द से जल्द सजा हो या क्या? चमन जी, एक घटना घटी है तेगाम रोड पर, क्या है सारा मामला, कैसे हुई है और क्या चीज़ है? वो सुबह एक सूचना मिली थी हमने, अब भाई एक एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ डेड बॉडी पड़ी है, तो उस सूचना पे गए हम, तो वहाँ पता लगा कि भाई ये पीछे से आ रहा था और यहाँ गिर गया है ये, तो इसकी मृत्यु हुई है। तो पता करने के बाद हमने पता जोई की तो वहाँ झगड़ा होना पाया गया और झगड़े से वहाँ मारपीट हुई है इसके साथ, फिर वो आदमी वहाँ से निकल गया, तो उसकी डेड बॉडी वहाँ जाकर। तो झगड़े में मतलब झगड़े के कारण मौत हुई है? झगड़े के कारण। कितनी उम्र है, कहाँ का रहने वाला है? उम्र इसकी 40-42 साल की है और बल्लभगढ़ में ही है, चमारवाड़ा है, वहाँ का रहने वाला है। नाम क्या है? तारा नाम है इसका। कौन लोग थे जो जिन्होंने झगड़ा किया और पुलिस को क्या कोई सबूत हाथ लगे, कोई सीसीटीवी वगैरह? तो नाम सामने आए हैं अभी, एक कल्लू कुलदीप कुलदीप है और एक नाम है अपना प्रिंस, दो नाम सामने आए। बाकी कहाँ के रहने वाले हैं ये, क्यों झगड़ा किया था? ये कुम्हारवाड़े के रहने वाले हैं। बाकी इनका झगड़ा बताते हैं पैसे के लेन देन पे, कोई दुकान पे सामान का कुछ वो था। फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई ये पुलिस अभी लगी हुई है, उनके घर से भागे हुए हैं, पुलिस पकड़ने में लगी हुई है। बाकी यहाँ पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले आए हैं, तो जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, जल्दी FIR हो रही है। हाँ, FIR भेज दिया है, डॉक्यूमेंट्स FIR दर्ज हो जाएगी अभी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।